What is up, YouTube? In today's video, I'm going to be showing you the installation of the Samurai bumper lip kit and some carbon fiber splitters. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही कार थोड़ा सा जैकअप करके रखा है ताकि बम्पर के नीचे देखने में थोड़ी सी आसानी होगी. तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग. सो ये लिप स्प्लिटर्स जो है ऐसे पैकेट में आए, चार है, दोनों साइड पे एक एक लगते हैं. तो इस सबसे यहाँ कहीं लगेंगे ऐसे. एंड एज यू कैन सी, दिस इज द बॉक्स दैट इट हैज कम इन. साथ में देयर आर फोर स्क्रूज, बट दीज आर ऑब्वियसली नॉट इनफ, वी नीड एट लीस्ट 6 to 7. तो मैं अपने एक्स्ट्रा स्क्रूज लेके आया हूँ. ये समुराई का स्टिकर है, इसकी एक कुछ पता नहीं बांग्लादेशी में है इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑफ नो यूज़. और एक अल्कोहल वाइप है. सो दिस लुक सो मच बेटर देन जस्ट द प्लेन कार्बन फाइबर. ये जो नीचे रेड पट्टी है, इसकी लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है. प्लस फ्यूचर में मैं अपने ब्रेक कैलिपर्स भी रेड पेंट करने का प्लान कर रहा हूँ, तो उसके साथ काफ़ी अच्छा मैच होगा ये. सो गाइस, यू कैन सी, ये ऐसे ही फैला दिया है बम्पर के आगे. एंड द लेंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट, ज़रूरत से ज़्यादा है. और अब जो नेक्स्ट चीज़ करना है वो है कि ये बम्पर के नीचे का पार्ट, इसको पूरा साफ करना है, एकदम चकाचक कर देना है ताकि ये चिपक सके इस पर. सो गाइस, अभी ये अल्कोहल वाइप एक बार यूज़ कर लेते हैं. सो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम द एज. ये जो है 3 mm एडिजिव टेप निकाल के इसका कवर यहाँ से चिपकाना चालू करेंगे ऐसे. और इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये टेप का कवर निकालना है. जहाँ पे ये मुड़ता है बम्पर, वहाँ पे एक वी शेप यहाँ पे काटना होगा. और ये जो कट मार रहे हैं ये सिर्फ एडिजिव साइड पे होना चाहिए, जो नीचे का कार्बन फाइबर लिप है उस पर नहीं कट होना चाहिए. ब्लेड ऑफ अ सीजर, प्लीज़ यूज़ अ ब्लेड एज दैट इज़ मच ईजियर. एंड बहुत ज़्यादा है, इसे यहाँ से यहाँ काटना पड़ेगा. ऐसे नहीं चिपक रहा है, I'm gonna have to use some Fevikwik and help to stick it up there. So guys, it is very very difficult to turn the bumper lip around at this edge because ये almost 90 degrees का turn है. तो ये सिविक गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो वो तो turn हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे काटना पड़ा बीच में. तो ये अब थोड़ा ख़राब सा लग रहा है. बट दो चीज़ें हैं, या तो मैं यहाँ पे टेप लगा दूँगा जिससे ये गैप नोटिस ना हो, या तो फिर ये मैं साइड वाला पार्ट निकाल दूँगा और सिर्फ फ्रंट बम्पर पर लगा रहने दूँगा, वो भी अच्छा लगेगा. सो लेट्स सी टेप लगा के कैसे लगता है पहले.
सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू पुट दी स्क्रूज एज वेल, क्योंकि सिर्फ ग्लू लगाना इनफ नहीं है. अब एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो समुराई किट आता है उसके साथ कोई वॉशेज नहीं दिए गए हैं. जो मैंने देखा है कि US के अनबॉक्सिंग में हमेशा वॉशेज आते हैं बॉक्स के अंदर. अभी क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ है लिप इसे काट के हम अपने लिए खुद वॉशेज बना लेंगे. सो बहुत ही सिंपल है, बस हर स्क्रू के लिए एक रबर का टुकड़ा चाहिए. तो अगर सिर्फ स्क्रू लगाते हैं तो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है और उसके फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए ये लगाना ज़रूरी है. तो गाइस स्क्रूज मैंने लगा दिए हैं और जहाँ जहाँ पे टर्न्स है या जहाँ जहाँ पे पट्टी स्टार्ट और एंड हो रही है वहाँ पे लगाइए. सो गाइस यहाँ पे जो लिप है उसको मैंने ऐसे ही कभी कुछ से चिपका दिया, बट इसको भी टेप से भी कवर करना है. मेरे पास ये जो है ये वाइनल स्ट्राइप्स बचे हुए हैं, इसके थोड़ा लेफ्ट ओवर था मेरे पास, तो ये अभी काम आ जाएंगे, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं. चीज़ बची है और ये है समुराई का स्टिकर यहाँ पे लगाना. तो इसके पहले इसको जस्ट अच्छे से पोंछ देंगे, मेक श्योर देयर इज नो डस्ट ऑन इट. सो गाइस ये टेप और स्टिकर लगने के बाद ये फाइनल लुक है इसका, काफ़ी बढ़िया लग रहा है. तो गाइस ये स्प्लिटर्स जो है यहाँ पे बम्पर के साइड में लगाएंगे. इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया पहले डिग्रीजर के साथ, उसके बाद सोप सॉल्यूशन के साथ. और एक हेल्पफुल टिप ये है कि फाइनल पेस्टिंग करने से पहले थोड़ा सेलो टेप लगा के आप पहले इसकी पोजीशनिंग कर लें कि आपने इसको कहाँ लगाना है, कहाँ अच्छा लग रहा है. इसका डबल साइडेड टेप जो है इस पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है, सो अगेन मैं फेविक्विक लगाऊंगा उसके ऊपर और फिर ही इसको चिपकाऊंगा ताकि ज़्यादा देर तक टिक पाए. अब ये वाली जो लाइन चल रही है बिल्कुल इसके साथ साथ लगाएंगे ऐसे.